नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह, और आज मैं बात करूंगी उस खबर की, या फिर यूं कहें कि उस रिपोर्ट की, जिसने पूरे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जी हाँ, ये कहना कोई दो राय ना होगी। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 8 अरब वैक्सीन बनाई गई और बांटी गई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बांटी गई वैक्सीन में से 4 अरब वैक्सीन अकेले भारत में बनाई गई हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने अमेरिका भारत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित इंडिया लीडरशिप समिट 2024 में कहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है कि क्या भारत विश्वगुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो चला है। कैसे 4 अरब वैक्सीन बनाकर भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है, और कैसे जेनरिक दवाओं का प्रमुख सप्लायर भारत बन चुका है, और ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दवा निर्माण क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने दावा किया है कि पिछले एक साल में दुनिया भर में निर्मित और बांटी गई 8 अरब वैक्सीन खुराकों में से लगभग आधी भारत में बनाई गई। दरअसल यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम की ओर से वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पुण्या ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में भारत एक वैश्विक लीडर के रूप में उभर कर सबके सामने आ चुका है। इस वक्त भारत जेनरिक दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यहां आपको बताना यह जरूरी है कि भारतीय कंपनियों की दवाओं ने 2022 के आसपास, आपको बताते चले, अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को $219 अरब की बचत दी थी, ये दावा किया जा रहा। और इसके चलते 2013 और 2022 के बीच में कुल $1.3 ट्रिलियन की बचत हुई है। अब भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के योगदान का प्रमाण इस तथ्य से ही मिलता है कि अमेरिका के बाहर यूएस एफडीए की ओर से अनुमोदित फार्मास्यूटिकल संयंत्रों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा भारत में है। या अमेरिका के बाहर यूएस और एफडीए अनुमोदित पैंटों की कुल संख्या क्या 25% है, ऐसा दावा किया जा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश वैक्सीन उत्पादन में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, अग्रणी हो रहा है, जो दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी भूमिका को लगातार रेखांकित करता जा रहा है। अगर बात करें दुनिया की, तो दुनिया में निर्मित सभी टीकों में से 50% भारत से है। दुनिया भर में निर्मित और बांटी जाने वाली लगभग 8 अरब वैक्सीन खुराकों में से 4 अरब खुराकें भारत में बनाई गई थी। यहां आपको बता दें कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, और इसलिए अगस्त में यूएस इंडिया कैंसर मूनशॉट डायलॉग का उद्घाटन किया गया था। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य अमेरिका भारत बायोमेडिकल अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें एम्स और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थानों के साथ ही साझेदारी शामिल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर परीक्षण और निदान के लिए $7.5 मिलियन का अनुदान जो है वो दिया है। भारत इस क्षेत्र में रेडियोथेरेपी और कैंसर की रोकथाम के लिए प्रयासों का भी समर्थन लगातार करता रहा है और आगे भी करेगा, ये स्वास्थ्य सचिव की तरफ से दावा किया गया, जिसमें 40 मिलियन का योगदान होगा, उन्होंने ये कहा। आपको बता दें कि अमेरिका भारत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित इंडिया लीडरशिप समिट स्वास्थ्य सचिव यहाँ पर बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में भारत अमेरिका साझेदारी साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का उदाहरण रहता है। यहाँ आपको बता दें कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी फोरम दोनों देशों के बीच सशक्त साझेदारी सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह फोरम व्यवसाय जगत, गैर लाभकारी संगठनों, दोनों देशों की सरकारों और लोगों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार जो है ये साबित हो रहा है। और इसी समिट में जब स्वास्थ्य सचिव पहुंची तो वहां पर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।